हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय बैक चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो चलिए, आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक सा पैटर्न लेकर आई हूँ। बहुत इजी पैटर्न है, बिगनर भी बना सकते हैं और बहुत जल्दी बनने वाला पैटर्न है। तो चलिए दोस्तों, मैंने इतना थोड़ा सा मैंने ये बना करके रखी है थोड़ी सी सिलाइयाँ, तो डिज़ाइन शुरू करते हैं हम। तो देखिए कैसे बनाना है। तो ये देखिए फ्रंट, पहला फंदा हम लोग सीधा बनाएंगे, उसके बाद ये दो फंदे हैं, ये देखिए ध्यान से, ये दो फंदे हैं, ये दूसरा वाला जो फंदा है ये वाला, इसके यहाँ से हम सिलाई को डालेंगे इस तरह से, और ऐसे करके हम धागा निकालेंगे, ये देखिए, और फिर से हम सिलाई पे इस तरह से घुमा के बल डालेंगे और ऐसे बाहर से लेके दो का एक कर देंगे। और फिर से देखिए इस वाले फंदे से, ये देखिए ये दो फंदे हैं, इस वाले फंदे से हम इस तरह से सिलाई को डाल के इस तरह से धागा निकालेंगे, फिर से सिलाई पे बल डालेंगे और बाहर से इस तरह से लेके, जैसे हम सीधा फंदा बनाते हैं उसी तरह से दो का एक करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, ये इस तरह से हमारे पास ये तीन फंदे हो जाते हैं। ये देखिए, ये हमने एक फंदा सीधा बनाया था, ये देखिए ये हमारे तीन फंदे हैं और ये तीन फंदे हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास तीन फंदे हो जाते हैं। फिर से देखिए यहाँ पे इस वाले होल में, ये देखिए इस वाले होल में हम डालेंगे इस तरह से, और ऐसे लूप निकाल लेंगे, फिर से सिलाई पर बल डालेंगे और इस तरह से हम पीछे से लेके दो का एक कर देंगे। ये देखिए इस तरह से, फिर से देखिए ये दो फंदे लेंगे, दो फंदे के पीछे वाले फंदे के यहाँ से सिलाई को डालेंगे इस तरह से, लूप निकालेंगे, सिलाई पे बल डालेंगे और पीछे से इस तरह से दो का एक कर देंगे। तो हम पूरी रो को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, लास्ट में हमारे तीन फंदे बचे हैं, तो ये तीन फंदे हम सीधे बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, अब हम देखते हैं रॉन्ग साइड से। ये देखिए रॉन्ग साइड से अब हम देखिए, एक दो तीन चार, चार फंदे हमने उल्टे बनाए हैं। और ये देखिए जी, ऐसा वाला जो फंदा दिख रहा है, ये देखिए इस तरह से जो फंदा दिख रहा है, इस फंदे को हम बाहर करेंगे धागा और इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे। देखिए फिर से धागा अंदर लाएंगे, ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, एक फंदा इसका लास्ट फंदा और इसका स्टार्टिंग का फंदा, ये तीन फंदों में से इन दोनों को एक कर देंगे, दो फंदों का एक करेंगे। फिर से ये देखिए, ये सेंटर वाला जो फंदा है इसको हम धागा बाहर करेंगे, इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे, फिर ये हमारे पास ये लास्ट वाला फंदा बचा तीनों में से, और इसके स्टार्टिंग वाला फंदा, ये देखिए यहाँ पर तीन तीन का बना हुआ सेट, तो ये देखिए इसका स्टार्टिंग वाला फंदा और इसका लास्ट वाला फंदा लेके दो का एक कर देंगे। अब फिर देखिए ये वाला फंदा, बीच वाला फंदा जो है इसको हम सीधा बनाएंगे, फिर धागा अंदर करेंगे, फिर ये लास्ट वाला फंदा और ये तीन के सेट वाला स्टार्टिंग वाला फंदा, इनको हम दो का एक करेंगे, फिर
फिर धागा बाहर करेंगे, सेंटर वाले फंदे को सीधा बनाएंगे, फिर धागा अंदर करेंगे, फिर इन दो फंदों को लेके दो का एक बनाएंगे, फिर ये सेंटर वाले फंदे को सीधा बनाएंगे, इन दो का एक करेंगे। तो इसी तरह से हम अपना पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। अब ये वाला फंदा सीधा बनेगा और इन दो का एक कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा जो पैटर्न है इस तरह से बन के आ गया है। ये देखिए, पास में करके दिखा देती हूँ, इस तरह से पैटर्न बन के आया है। मैं दोबारा आपको एक रो और बना के दिखा देती हूँ फ्रेंड। ये इस तरह से, इस तरफ से ये ख़त्म होता जाएगा, इस तरफ से ये नया बनता जाएगा। तो इस तरह से ऐसे लहरिए की तरह ये इस तरह से तिरछा तिरछा जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, मैं आगे आपको दिखाती हूँ। हमने यहाँ पर पहला फंदा हमने सीधा बनाया था, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाले फंदे पे ये देखिए, ये जो फंदा है ये देखिए, ये होल दिख रहा है, ये देखिए मैं आपको पास में करके दिखा देती हूँ। इस वाले होल में हम सिलाई को डालेंगे और इस तरह से हम निकालेंगे धागा और सिलाई पे बल डालेंगे। ये देखिए, इस तरह से सिलाई में बल डालेंगे और बाहर से लेके ऐसे इस तरह से हम इसे दो का एक करेंगे। फिर से देखिए इस वाले होल में, ये देखिए ये हमारा डिज़ाइन यहाँ पे ऐसे बना है। इसके साथ वाले फंदे के ये देखिए नीचे से हमने सिलाई डालनी है। इस तरह से लूप निकालेंगे, सिलाई पे बल डालेंगे और फिर से बाहर से लेके हम दो का एक कर देंगे। तो ये इस तरह से हमारा पैटर्न बनता जाएगा। ये देखिए इस वाले होल में, ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ पास करके। ये देखिए इससे वाले होल में यहाँ से ऊपर से हम डालेंगे, ऐसे लूप निकालेंगे, सिलाई में बल डालेंगे और दो का एक कर देंगे। देखिए फिर से देखिए, यहाँ पे सिलाई डाल के बल डालेंगे, फिर से दो का एक कर देंगे। तो इसी तरह से हम अपनी रो को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, अब हमारे पास यहाँ पे चार फंदे बचे हैं। पिछली बार हमारे पास यहाँ तीन फंदे बचे थे, तो अब हम यहाँ से नया एक और बना देंगे। ये देखिए यहाँ पे इस वाले होल में डालेंगे और इस तरह से लूप निकाल के सिलाई पे बल डाल के दो का एक कर देंगे। और ऐसे यहाँ पे हमारे पास लास्ट में दो फंदे बचेंगे, तो उनको हम सीधा बना देंगे। तो चलिए फ्रेंड, रॉन्ग साइड से देख लीजिए, थोड़ा फास्ट फास्ट करूँगी। अब देखिए हम एक दो और ये तीन, अब पहले हमने चार फंदे सीधे बनाए थे, अब हमने तीन फंदे सीधे बनाए हैं, उल्टे बनाए हैं। और अब इस वाले फंदे को ये देखिए, ये हमारा बीच वाला फंदा है तीन सेट का, इसे हम सीधा बनाएंगे और फिर धागा अंदर करेंगे और इस तरह से ये लास्ट वाला फंदा और ये तीन के सेट का स्टार्टिंग का फंदा, इसे हम दो का एक कर देंगे। धागा बाहर करेंगे, सेंटर वाले फंदे को सीधा बनाएंगे और फिर से तीन का एक कर देंगे। फिर से सीधा फंदा बनाएंगे सेंटर वाला और फिर से तीन का दो का एक कर देंगे, सॉरी, फिर से सीधा फंदा बनाएंगे और फिर से दो का एक कर देंगे। इसी तरह से हम पूरी सिलाई को
कंप्लीट करेंगे। अब ये देखिए फ्रेंड, ये हम दो फंदे यहाँ पे सीधे ही बनाएंगे। उल्टे बना दिए हमने वो वाले जो दो फंदे थे हमारे। तो ये देखिए फ्रेंड, ये इस तरह से हमारा पैटर्न जो है बन के आ गया है। ये देखिए, तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये कम है थोड़ा सा बना हुआ, तो सब पूरा पता नहीं चल रहा होगा आपको, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि बनने के बाद हमारा पैटर्न कैसे दिखता है। तो ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने बना के रखा हुआ है। तो ये देखिए, ये बनने के बाद, देखिए पास में करके दिखा देती हूँ, ये बनने के बाद हमारा पैटर्न जो है कुछ इस तरह से दिखता है। ये देखिए, ऐसे हमारा पैटर्न जो है इस तरह से दिखेगा। ये देखिए, तो चलिए आपको मेरा डिज़ाइन कैसा लगा, समझाने का तरीका कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड, आप पहला आइकन भी दबा दीजिए। मिलते हैं एक नए डिज़ाइन के साथ, तब तक आप सब खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कराते रहें।